Good morning, students. How are you? A very welcome you all in my class. So, students, today is Wednesday and today is our English class. So, let's proceed. So, as usual, first of all, that is our daily duty. That is our daily duty as well as our work to read sight words first. जैसा कि ये हमारा वर्क भी है, ड्यूटी भी है और हमें रोज़ करना है. सबसे पहले साइट वर्ड्स को रीडिंग करना है. सो फर्स्ट साइट वर्ड इज टी एच आई एस, दिस, टी एच ए टी दैट, आई एस इज, वाई ओ यू, डब्ल्यू ई वी, एन ओ नो, ओ एन ऑन, A N D N, T H E the, M Y my, and last is a. यहाँ तक till now I know all you have learned it by heart. आप सभी ने यहाँ तक बहुत अच्छे से learn कर लिया है. Now we come to this box. This is very important box. C O M E come, C O M E come, F O R for. F O R for, M A K E make, M A K E make, H A V E have, H A V E have, H A S has, H A S has, T A K E take, T A K E take. Now students, ma'am आपके लिए pointer use करती है जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके. Now I have already told you about this and that. This and that के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ. अब यहाँ पे ये जो एरो का साइन है, हैंड का जो एरो है, ये हमें क्या बताता है? ये जो सारी चीज़ें हैं हमसे दूर हैं, ये सारी चीज़ें हमसे क्या हैं? दूर हैं. तो ये वाला पेज आपका होमवर्क पेज रहेगा, आपकी स्पाइरल में पेज नंबर 106. Which page is this? This is page number 106. ये आपको किस में करना है? एच डब्ल्यू में करना है. कहाँ करना है? एच डब्ल्यू में करना है. मैंने आपको ऑनलाइन सेशन में भी सिखाया था. फर्स्ट पिक्चर इज ऑलरेडी बुक अंकल ने लिख के दिया है आपको, टी एच ए टी दैट. जहाँ पे दैट जाएगा वहाँ पे क्या जाएगा उसके पीछे? इज एंड अ. अब किसका पिक्चर है? हैन का. तो आपको यहाँ पे अच्छे से हैन लिखना है. अभी मैम के पास पॉइंटर है, आपको खुद को अच्छे से लिखना है. आई होप आप सभी अच्छे से लिखेंगे. नेक्स्ट पिक्चर में आपको लिखना है दैट. देन आपको लिखना है दैट इज अ र अ ग रग. नेक्स्ट दैट इज अ कार. दैट इज अ रैट. दैट इज अ टिन. और लास्ट में पूरा लिखना है दैट इज अ कैप. ओके. और फिर लास्ट में आपको क्या पुट कर देना है? फुल स्टॉप. क्या पुट करना है? फुल स्टॉप. आया समझ में? आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. नाउ टुडे वी विल रीड पेज नंबर 107. टी एच आई एस, दिस इज अ प अ प पप. नाउ व्हाट इज पप? पप क्या होता है? बेबी ऑफ डॉग इज कॉल्ड पप. डॉग का बेबी क्या होता है? पप. टी एच आई एस, दिस is a boy, boy. यह एक लड़का है. दिस का मतलब कोई भी एक चीज़ या कोई एक पर्सन हमारे नियर होता है. नेक्स्ट इज टी एच आई एस, दिस इज. अब यहाँ पे अ नहीं लगा, ए एन एन लगा है. क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट आ रही है? स्टार्ट हो रही है ओ से. एन ए ई आई ओ यू, ए ई आई O U, ये सब क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड वॉवल्स. वॉवल्स के साथ हमेशा क्या लगता है? A N N. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? A N N. नेक्स्ट इज T H I S, दिस इज अ स्पून. स्पून, डबल ओ का साउंड क्या होता है? U. तो दिस इज अ स्पून. नेक्स्ट T H I S, दिस इज अ L O C K, लॉक. लॉक मीन्स यह एक ताला है. टी एच आई एस, दिस इज ए एन एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला का फर्स्ट साउंड किससे आता है? यू से. एंड यू इज अ अगेन वॉल.
दिस इज एन ईगल. एन ईगल क्यों है? बिकॉज ईगल का ई इज़ अ वॉल एंड वॉल के साथ कौन सा आर्टिकल आता है? ए एन एन. टी एच आई इज दिस इज अ ट एप अ टैप. टी एच आई इज दिस इज अ विप. सो दिस पेपर दिस पेज यू हैव टू रीड दैट इज 107. नाउ द वर्क फॉर टुडे. आज का हमारा वर्क क्या है? दिस पेज पेज नंबर 108. यू हैव टू मैंशन द डेट एंड सी डब्ल्यू. नाउ वॉट यू हैव टू डू हेयर टुडे. आज आपको यहाँ पे क्या करना है? हेयर इज़ अ पिक्चर गिवन. यहाँ पे पिक्चर दे रखी है. अब ये जो सारी पिक्चर्स हैं ये सारी हमारे नियर हैं. ये सारी पिक्चर्स क्या हैं? हमारे नियर हैं. नाउ वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ नियर? हमारे पास में है. तो जब भी कोई चीज़ हमारे पास में होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? टी एच आई एस दिस. नाउ फर्स्ट सेंटेंस लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना चाहिए माइंड में कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या आता है? बिग होता है, बड़ा होता है. कैसा होता है? बिग. तो फर्स्ट हम लिखेंगे टी एच आई एस दिस. एंड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें हर एक वर्ड के बाद बीच में क्या देना चाहिए? वन फिंगर का गैप. आप देखोगे मैम ने ये एक एरो लगाया है, लाइन बनाया है, तो आपको अपना खुद का फिंगर यहाँ पे प्लेस करना है और देखना है कि आपका वन फिंगर का गैप आ रहा है कि नहीं. फिर क्या लिखा है? आई एस इज. क्या लिखा है? आई एस इज लिखा है. उसके बाद फिर देखेंगे फिर क्या है. वापस मैम ने बीच में क्या दिया है? गैप दिया है वन फिंगर का. फिर मैम ने लिखा है अ. अगेन आई हैव गिवन अ गैप ऑफ वन फिंगर. देन किसका पिक्चर है ये? विच पिक्चर इज दिस? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बग. ब अ ग बग. देन आई हैव पुट अ फुल स्टॉप हेयर. फिर मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? फुल स्टॉप लगाया है. आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. फॉर योर ईज नाउ स्टूडेंट्स, फॉर योर ईज आपके आराम के लिए आई हैव रिटन हेयर ओनली वन टाइम. अब आपके लिए यहाँ पे टू लाइन्स दे रखी है, तो यू कैन राइट हेयर टू टाइम्स ऑल्सो. आप इस सेंटेंस को टू टाइम्स भी लिख सकते हैं. सो द सेम यू हैव टू राइट इट हेयर. अगर आप लिखना चाहें फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन राइट इट हेयर. टी एच आई एस दिस इज अ बग. सो यहाँ पे लाइन इसलिए छोड़ी गई है कि आप इसको टू टाइम्स लिख सकें इफ़ यू वॉन्ट टू राइट. नेक्स्ट इज विच पिक्चर इज दिस. ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज़ अ लॉग. लॉग क्या होता है? कोई भी जो मोटी वुड होती है, थिक वुड होती है, उसका जो ट्रंक होता है, जब उनको पेड़ को कट करते हैं तो उसका जो ट्रंक होता है दैट इज़ कॉल्ड लॉग. सो दिस इज अ लॉग. अ लॉग सेंटेंस फिनिश होने के बाद इसके पीछे क्या लगाते हैं हम? एक डॉट दिख रहा होगा. इस डॉट को क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप. क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस इज टी एच आई एस दिस इज अ प एन अ पैन. अब पैन के बाद मैम ने फिर क्या लगाया है? फुल स्टॉप. एवरी सेंटेंस आफ्टर एवरी सेंटेंस यू हैव टू मार्क अ फुल स्टॉप फिनिशिंग द सेंटेंस. And when you are writing a sentence, you have to keep one finger gap. कितने finger का gap छोड़ना है? One finger का gap छोड़ना है. So that your work will look good. You can write two times also. I will check किसने two times लिखा है. If you will write two times, then your practice will become more stronger. आपकी practice और ज़्यादा अच्छे से होगी. लास्ट पिक्चर देखेंगे बॉक्स की है. तो जब चीज़ें हमारे पास में हैं तो आपको ये तो लर्न ही कर लेना है. टी एच आई एस दिस इज अ. अब बॉक्स की स्पेलिंग कैसे बनाएंगे? साउंड से. ब ऑक्स बॉक्स. और लास्ट में क्या पुट कर देंगे? फुल स्टॉप. तो हमारा वर्क यहाँ पे आज फिनिश होता है. आई होप आप सबको आज समझ में अच्छे से आ गया होगा. सो फिनिश योर वर्क एंड होमवर्क. Thank you and have a very great day.